Panda. I got broads in Atlanta. Switch to the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the back. So, morning guys. अभी time हो रहा है अपना 8:05 है. मैं अभी सो गया था. तब तक तरुण ने drive किया है. 1-1.5 घंटा उसने drive करा. मैं सोया हुआ था. ठीक है. तो अभी हम आए निधिवन. यहाँ पे घाट जो है, घाट पर आए हैं. दिखाते हैं यहाँ का व्यू आपको कैसा है. ये देखिए, ये घाट का व्यू है. ठीक है, तो चलते हैं घाट पे भी. थोड़ी देर बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, मज़े मारते हैं. क्योंकि 9:15 तक कह रहे हैं मंदिर खोलते हैं, तब तक हमने कहा यहाँ पे आकर देख लेते हैं. ठीक है, तो देखते हैं, बोट वाले बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं. भाई अभी हम चले हैं बोट में और आप देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है. पानी का फ्लो भी देख सकते हैं और ये साथ साथ पर्दे जिनके लगे हैं. तो चलते हैं बोट में. भाई इसके चक्कर में पूरी बोट हिल रही है, टकरा हिल रही है. कैसे बैठ बोट की सवारी. ये व्लॉग शूट कर रहे हैं, देखो कैसे. भाई ये क्या कर निकाल रहे हो? है भाई, ये सिक्के निकाल रहे शायद. भाई बहुत जबरदस्त तरीके से. ये तो कुछ ऐसी गोल गोल लेकिन जा रहे हैं. ये कहाँ ले जा रहे हैं भैया? ये तो गोल 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 घुमा रहा है. सो गाइस अब हम निकल चुके हैं निधि वन के लिए. चलते हैं, पर हमें रास्ता नहीं पता. चलिए चल रहे हैं, हम इस गाइड के थ्रू जा रहे हैं. हमारा गाइड है, देख लो आप. सीने भी यहाँ पे आना हो गाइड से, वो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आगे वाला बढ़िया सा गोली को सब्सक्राइब मार देना और चलो 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 बाद में मारना, बाद में पहले मेरा वाला सब्सक्राइब कर देना. सो गाइस अभी हमने घाट पे कर लिया है स्नान, तो चलते हैं अब आगे वृंदावन की तरफ, बांके बिहारी मंदिर. कपड़े चेंज, लुक चेंज, अब चलेंगे मंदिर. तो आगे चलते हैं. ये ब्लॉग शायद 2 पार्ट में आएगा, तो दोनों पार्ट देना जरूरी है. बाकी यहाँ मेरे साथ एक कांड सा हो गया, वो तुम्हें बताऊंगा मैं थोड़ी देर में. तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक, जैसे कि मैं घर से लिस्ट बना के आया था कि मैं कौन कौन से मंदिर जाना, वो मैं सब पूरे कर चुका हूँ. बस एक लास्ट रह गया, प्रेम मंदिर. तो अभी वहाँ जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कुछ हमने ज़्यादा ही जल्दी कर दिया, बिकॉज अभी 11 बज रहे हैं और हम 4-5 मंदिरों से ऊपर घूम चुके हैं. कोई नहीं, यहाँ से शायद हम फिर वापसी बरसाना जाएंगे अगर मन हुआ तो. क्योंकि हम बेवजूले गलत चले जा रहे हैं, पर हम सही जा रहे हैं भाई यहाँ से. क्योंकि ये मैंने देखा था रास्ते में गाय का तबेला था. तो अभी अपनी गाड़ी की तलाश में, गाड़ी मिलती है तो उसके बाद बात करते हैं. हाँ जी भैया, आधे राधे मिट गया क्या? अभी क्या देखेगा ताजमहल में जाके? कपड़े भी नहीं है जो हम फोटो वोटो खिंचा पाए. 2 hours later. सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर. जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा है, और इस समय हवा चल रही है बहुत तेज, तो तुम्हें वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रही होगी. चलते हैं. क्या हुआ? चलो अंदर चलते हैं और यहाँ पे मत्था वत्था टेकते हैं. ओए, नो एंट्री विदाउट मास्क. सो गाइस प्रेम मंदिर में अलाउ नहीं है विदाउट मास्क एंट्री, तो इसके लिए हमें यहाँ पे आके मास्क पहनना पड़ा है. सो प्रेम मंदिर जो है अंदर से ऐसा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये रात को घूमने का ज़्यादा इधर अच्छा है क्योंकि इधर का एटमॉस्फेयर, लाइटिंग वगैरह रात को अच्छी होती है. कोई बात नहीं, हम दिन में ही घूम लेंगे. गर्मी बहुत हो गई है, पैर जल रहे हैं बिकॉज हमने नंगे पैर, सबने चप्पले पहन रखी है, यहाँ नंगे पैर हैं. और अभी हम देख सकते हैं
जो गोवर्धन का जो किशन जी ने तो अपनी उंगली पे उठाया था पहाड़, ये वो है। और ये पानी असली गिर रहा है, ये मंदिर के एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं और पीछे का दिखा दिया है। ये एक्चुअली हमारा प्लान सारा सडन बना, रात को हम ऐसी बातों करते करते हमने कहा चल चलते हैं, तो हम निकल गए रात को 12 बजे के करीब। और सबने बोला कि बहुत रश है, ये सब है, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर हम तब भी यहाँ वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आ क्योंकि बिकॉज यहाँ पर बंदरों की बहुत प्रॉब्लम है, कभी भी फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। चलते हैं आगे प्रेम मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ, और देखते हैं शायद यहाँ फोटोग्राफी नो फोटोग्राफी पहले लिखा हुआ है। लो कोई बात नहीं, इस वहाँ से हो गए हैं हम फ्री, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आए हैं ढाबे पे, ब्रेकफास्ट समझ लो या लंच समझ लो, जो समझना वो समझ लो, वो करने आया 1 बजे, ठीक है। और 1 बजे ऐसा लग रहा था शाम के 3-4 बज रहे हैं, क्योंकि हम रात से निकले हैं और रात से घूम ही जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। अब जाके कुछ खाएँगे। अभी हमने ऑर्डर किया अपने लिए सबसे बेस्ट चीज़, दाल फ्राई और पनीर बटर मसाला विद बटर रोटी, वो खाते हैं। या अभी शायद देखो वापसी हम बरसाना जाएंगे लठ मार होली देखने के लिए, वरना आगरा, और वो भी नहीं गए तो वापसी दिल्ली, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ ही देर में खाना खा के। ओके सो गाइस, अभी बरसाना जा रहे थे हम वापसी वहाँ से, तो हम थोड़ा सा भटक गए हैं जैसे हमारा हमेशा होता है। अभी तो ऐसा भटके हैं कि आप ये देख सकते हैं कैसी गलियों से मैं निकल के जा रहा हूँ, कि सिर्फ मेरी गाड़ी की जगह ही है और थोड़ी बहुत स्कूटी शायद चिपक के निकल जाए तो बड़ी बात है, वरना पूरी ऑफ रोडिंग यहाँ हो रही है और पूरा गांव ही है। और मेरे को लग रहा है आगे गली और छोटी हो गई है, एक सेकेंड, गली शायद और छोटी हो रही है क्या? हाँ ठीक है, देख सकते हो 14 किलोमीटर हमें 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना गांव के निकाल के लेके जाएगा। लगता है कुछ अलग ही निकलेंगे हम लोग। बाकी तो अपना भाई पीछे सो गया है, उठ गया है व्लॉगिंग के नाम पे, ठीक है। तो इसका टाइम अभी सोने का, क्योंकि पहले मैं सोया था 1-1.5 घंटा जब बरसाना से हम आगे गए थे, अब ये सोया। एक गली देख लो भाई, गली या गाड़ी कहाँ से निकाल लूँ मैं बताओ। ये देखो ओ तेरा बलोल लगे ओ तेरी जात का फायदा मारू साले, मैंने बरसाना भाई गाड़ी लोकेशन डाली थी, स्कूटी की लोकेशन डाली थी तूने पता नहीं क्या लोकेशन डाली अपनी, कहाँ लेके भाई देखियो ऐसा गाँव। कैंसिल करें गाड़ी से लेट कर ले, मेरे को तो लग रहा है गाड़ी भाई, गाड़ी की जगह तो भाई दिखनी चाहिए, पता नहीं कैसे लेके जा रहे हैं साले। साला किस्मत ख़राब है, कभी भी दिल्ली से बाहर निकलता हूँ अपनी गाड़ी लेके ये लफड़े पड़ते हैं हमेशा। कभी हाँ कभी फार्म प्रोटेक्शन में फंस जाता हूँ, कभी कहीं, कभी गाँव के बीच में फंस जाता हूँ। चलो चल रही है गाड़ी अपनी धीरे धीरे, बरसाना पहुँच के मिलता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना एक हाथ से। 2 hours later. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शाम के टाइम पे फिर वापसी से, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे सबने बोला कि जाओ और देखो बरसाना में कैसे होली खेली जाएगी, आप तुम देख सकते हो क्या सिचुएशन है इस टाइम पे। और ये होली खेली जा रही है यहाँ पे दवा के, इससे थोड़ी आगे जाके यहाँ पे लठमार होली खेली जा रही है,
तो अभी वहाँ जा रहे हैं, पहले यहाँ पे देखते हुए वहाँ पे लठवार हॉल तक जाएंगे। असली सांप देख लो भाई। तो चलते हैं लठवार हॉल तक। तो ये अब आए रंग उत्सव में, यहाँ पे जो हो रहा है सेलिब्रेट, देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं। बाकी डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हैं कैसी है। और चल रहे हैं आगे की तरफ लठवार होली के, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। लठवार होली की हो रही है शुरुआत। सब बैठे हैं लठमार वाले जिन्होंने खेलनी है लठमार वाली।
गाइस ये व्लॉग जो है हम यही एंड करते हैं बिकॉज अब मैं थक गया हूँ और अब हम चले यहाँ से घर। होली खेल ली है, ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करा नहीं, जितना हो सका आपको वीडियो दिखा दिया क्योंकि रंग उड़ रहे थे, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, फ़ोन ख़राब होने का डर था। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करके ज़रूर जाना बिकॉज तुम्हारे भाई ने करी है ना, तो इसमें हल्की सी। तो मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लव यू ऑल, बाय।